गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 12 ले रहे हैं इमेजेस का। चैप्टर का नाम है व्हेन द फर्नीचर वेंट मैड एंड द हैट हॉप्ड अबाउट। तो ये चैप्टर बेसिकली एक राइटर है, इंग्लिश राइटर एच जी वेल्स। इनकी एक बुक से लिया गया है, इसका 6 चैप्टर है ये। उनकी बुक का नाम था इनविजिबल मैन। तो ये एक सीन क्रिएट किया गया है, इसमें सीन के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि एक लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी होते हैं, जो अपना एक हाउस जो है किसी को रेंट पे देते हैं। तो एक दिन वो उसके फ्लैट में जाके देखते हैं तो एक अजीब सी सिचुएशन पाते हैं। वो उस सिचुएशन के ऊपर में ये सारा एक चैप्टर है, या कैसे वो थोड़ा घोस्टी या स्कैरी टाइप का उनका एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस के ऊपर में पूरा चैप्टर दिया गया। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट पर दिया है कि व्हाट इज़ द स्पूकी और स्केरी एक्सपीरियंस यू हैव हैड, टेल अस अबाउट इट। आपको कभी घोस्टली या स्केरी टाइप का डरावना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में बताइए करके बोला गया है। रिफ्लेक्ट, लुक एट द वर्ड डिसअपियर, थिंक ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन दैट बिगिन विद डिस, रेज योर हैंड एंड स्पीक द वर्ड अलाउड। तो जैसे डिसअपेयर के साथ आप बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं डिसएग्री, डिसअप्रूव, डिसेबल, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। आप भी कुछ कोशिश करने के लिए, आपको कुछ बोला गया है कोशिश करने के लिए। इमेजिन दैट समबडी और समथिंग डिसअपेयर ऑल ऑफ ए सडन, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन द क्लास। ओके, नाउ ये राइटर के बारे में, चैप्टर के बारे में थोड़ा बताया गया। एच जी वेल्स जो थे कि इंग्लिश राइटर थे, ही वॉज बॉर्न इन ब्रॉमले कैंट। वेल्स इज द बेस्ट नोन फॉर राइटिंग साइंस फिक्शन नॉवल्स। साइंस फिक्शन, जैसे ऐसी आजकल साइंस फिक्शन की मूवीज़ भी बहुत बनती है, साइंस फिक्शन नॉवल्स भी। साइंस फिक्शन उसको बोलते हैं जो लिटरेचर होता है, डिस्क्राइब द इमेजिनरी इवेंट्स और पीपल, जो रियल में नहीं होते हैं उसको बोला जाता है फिक्शन। तो ही हैड ए पुअर चाइल्डहुड एंड हैड टू डू मैनी ऑड जॉब्स। सो मतलब उनका बचपना जो था बहुत बढ़िया नहीं गया था, अभावों से ग्रस्त था और ऑड जॉब मतलब छोटे मोटे जॉब उनको करने पड़ते थे। अनेबल टू अफोर्ड स्कूल एजुकेशन, ही मोस्टली टॉट हिमसेल्फ एट द रीडिंग इन द लाइब्रेरीज। तो स्कूल एजुकेशन को वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो वो मोस्टली अपनी लाइब्रेरीज में जाके ही पढ़ते थे। ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ द साइंस फिक्शन, सम ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स इंक्लूड द टाइम मशीन 1895 में उन्होंने लिख दी थी, द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन 1897 की बुक है, एंड द वर्ल्ड वार ऑफ द वर्ल्ड्स 1898 में लिखी। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबल प्राइज इन द लिटरेचर फॉर 4 टाइम्स। ओके, व्हेन द फर्नीचर वेंट मैड इज द 6th चैप्टर ऑफ द एच जी वेल्स इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन बुक का उनका ये 6th चैप्टर है। ह्यूमन बींग्स ऑलवेज हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबिलिटी। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम लोग हमेशा अट्रैक्टेड होते हैं, फैसिनेटेड मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबिलिटी में। हम लोग अभी तक देखते ही आए, जैसे कुछ मूवीज़ भी बनती हैं, हॉलो मैन, मिस्टर इंडिया, जो इनविजिबिलिटी के ऊपर बनी हुई है। इस तरह से पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस कॉन्सेप्ट। वेल वॉजन द फर्स्ट आर्टिस्ट टू एक्सप्लोर द इनविजिबिलिटी इन द लिटरेचर। ही जो वेल जो एच जी वेल थे, वो खाली वही अकेले ऐसे नहीं थे जिन्होंने इनविजिबिलिटी के ऊपर में कुछ लिटरेचर में लिखा हो। द फिनोमिना ऑफ कैरेक्टर वैनिशिंग इन टू द एयर कैन बी फाउंड इवन इन द प्लेस बाई विलियम शेक्सपियर। तो ऐसे विलियम शेक्सपियर जो थे, उनके प्लेस में भी फिनोमिना ये देखने को मिलता था। फिनोमिना क्या होता है? फैक्ट या सिचुएशन दैट इज ऑब्जर्व टू हैपन। ओके, ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा ऑब्जर्वेशन। दो वेल्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स एंड थिंकर्स टू लिंक इनविजिबिलिटी एंड साइंस। जो ऑल दो जो थे वेल्स वो जो थे, वो पहले राइटर थे जो इनविजिबिलिटी और साइंस को उन्होंने लिंक किया था। दैट रिमेंस वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द मैसिव पॉपुलरिटी ऑफ द इनविजिबल मैन। ओके, नाउ वी रीड स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर एक कॉमिक टाइप ऑफ सिचुएशंस में बनाया गया है, बहुत छोटे चैप्टर है। ऑन एन अर्ली मंडे मॉर्निंग मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल रश नॉइजलेसली डाउन द सेलार। तो सेलार के नीचे मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल जो है नीचे उतरे बिना कुछ आवाज़ किए। दे वर सरप्राइज टू फाइंड द स्ट्रेंजर डोर अजार। उनको सरप्राइज हुआ था जो स्ट्रेंजर को, जो इन्होंने स्ट्रेंजर ये बोल रहे हैं जिसको उन्होंने घर किराए पर दिया था, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो उसका डोर खुला हुआ था, वो थोड़ा सरप्राइज हुए।
Mr. Hall knocked on the stranger's door. There was no answer. He knocked again, then pushed the door wide open and entered. जब कुछ आवाज़ कुछ अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आई तो वो नॉक करने के बाद वो अंदर घुस गए दो तीन बार नॉक करने के बाद में. इट वॉज एज ही एक्सपेक्टेड, जैसे उन्होंने सोचा था वैसा ही था. द बेड एंड द रूम वर एम्प्टी एंड वॉट वॉज स्ट्रेंज हाउएवर वॉज द स्ट्रेंजर क्लॉथ एंड बैंडेजेस वर स्कैटर्ड ऑन द चेयर एंड ऑन द बेड रेलिंग. तो स्ट्रेंजर के क्लॉथ और जो बैंडेजेस थी वो बांध के रखता था. कौन स्टोरी में आगे बताया जाएगा कि वो क्लॉथ बैंडेजेस बांध के रखता तो वो जो थे बेड की रेलिंग पे और टेबल पे रखे हुए थे, ऐसे बिखरे हुए थे. व्हाट आर यू डूइंग करके पीछे से आवाज़ आती है. मिस्टर हॉल, आई थिंक मिसेस हॉल पूछती बाहर से. जेनी, ही इज़ नॉट इन हिज रूम एंड हिज डोर इज़ ओपन. तो बोलता है जेनी, वो अंदर नहीं है. ही इज़न्ट देयर, क्या अंदर नहीं है. बट हिज क्लॉथ्स आर वॉट ही इज़ डूइंग विदाउट हिज क्लॉथ. बट उसके क्लॉथ जो है यहीं पर है तो वो क्या कर रहा है जो बिना कपड़ों के. एज द हजबेंड वाइफ क्लाइम्ड अप द स्टेयर दे बोथ थॉट दे हर्ड द स्ट्रेंजर्स डोर शट. जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने एकदम ऐसा लगा कि एकदम डोर को जो था धड़ाम से बंद कर दिया गया उनके पीछे से. ओके नाउ फिर जैसे ही कुछ उनको ऐसा लगता है कि दे हैव हर्ड समथिंग समवन स्नीज बिहाइंड देयर बैक. उनको ऐसा लगा कि उनके पीछे में किसी ने छींका हो, वो थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं. व्हेन दे एंटर्ड द स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड. अगेन वो एंटर हुए, जैसे द स्ट्रेंज थिंग हुआ द बैड क्लॉथ गैदर्ड देमसेल्फ एंड लीप्ड इनटू द एयर. जो बेड के ऊपर जो क्लॉथ रखा हुआ था वो एकदम इकट्ठा हो गया और हवा में उड़ गया. इट वॉज ऑलमोस्ट एज दो ए हैंड हैड क्लच देम एंड फ्लंग देम असाइड. ऐसे ही बिल्कुल ऐसा हुआ था जैसे किसी एक हाथ ने उनको एकदम पकड़ लिया हो हाथ में और एकदम हवा में उड़ा दिया हो क्लॉथ्स को. द कपल टर्न पीले. दो कपल जो था जो दोनों जो लोग थे वो एकदम पीले पड़ गए विथ फ्राइट, एकदम डर के मारे. वैन द स्ट्रेंजर हैड हॉप्ड ऑफ. जब स्ट्रेंजर की हैड जो थी एकदम हॉप्ड उछल गई फ्रॉम द बेड पोस्ट एंड व्हील्ड इन द एयर बिफोर क्रैशिंग इनटू मिसेस हॉल फेस. और बेड पोस्ट से ऊपर उठने के बाद में एकदम घूमती आई और एकदम मिसेस हॉल के फेस के ऊपर में जाकर टकरा गई. द स्पॉन्ज लेफ्ट द वॉश स्टैंड एंड द चेयर फ्लंग एंड द स्ट्रेंजर कोट एंड द ट्राउजर्स. तो स्पॉन्ज वॉश स्टैंड के ऊपर रखा था, स्पॉन्ज जो था वो उसने वहाँ से हट गया और जो चेयर जो थी उड़ गई फ्लंग एंड द स्ट्रेंजर क्लॉथ एंड ट्राउजर. चेयर ने तो जो थे स्ट्रेंजर के क्लॉथ और ट्राउजर को उड़ा दिया, ऐसा बोल रहे हैं. मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स रैन अराउंड स्क्रीम. और ये सब ऐसा सीन देख के वो इधर उधर भागे इधर उधर मिस्टर एंड मिस्टर हॉल. देन क्या हुआ, मिसेस हॉल फेंटेड इनटू द मिस्टर हॉल आर्म्स. मिसेस हॉल जो थी बेहोश हो गई मिस्टर हॉल के आर्म में. इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ही एंड मिली नाउ अवेकन बाई द स्क्रीमिंग ब्रॉट हर डाउन स्टर्स टू गिव मिसेज हॉल द अप्रोप्रिएट मेडिसिन. ये थोड़ी देर में जब मिली उठ गई भी इन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ के बाद में तो उन्होंने थोड़ी डिफ़िकल्टी के साथ में ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ में मिसेज हॉल को उठाया और नीचे लेके आए और उनको थोड़ी कुछ मेडिसिन दी. मिली गेट हेल्प स्प्रिट्स. आई नो दे वर स्प्रिट्स टेबल्स एंड चेयर लीपिंग एंड डांसिंग. ये सब आत्मा है ऐसा बोल रहे हैं. स्पिरिट्स, आई नो दे वर स्पिरिट्स. टेबल्स एंड चेयर जो है उड़ रहे हैं और डांस कर रहे हैं. द रूम इज़ हॉन्टेड. ये एक हॉन्टेड प्लेस है एंड ही हैज़ हैक्स माई गुड फर्नीचर. और उसने मेरे गुड फर्नीचर को हैक्स कर दिया. हैक्स मीन्स मैजिकल पावर से हार्म कर दिया है. लॉक हिम आउट. उसको बाहर निकाल दो. वी शुड नेवर लेट हिम इन. उसको हमने कभी भी नहीं लेना चाहिए था. आई शुड हैव नोन हिज गोगलिंग आईज. उसकी बड़ी बड़ी आई जो है मुझे पता कर लेनी चाहिए थी. बैंडेज हैड एंड नॉट गोइंग टू चर्च ऑन ए संडे. उसको बैंडेज हमेशा हैड बैंडेज में रहता है और कभी भी संडे को वो चर्च नहीं जाता है. इस तरह से उसके बारे में बताया जा रहा है. मिसेस सैंडी वेजर्स द ब्लैक स्मिथ वॉज कन्विंस इट वॉज विच क्राफ्ट. जो पर्सन के बारे में बताया जा रहा है मिस्टर हैंडी जो है ए पर्सन हु मेक द रिपेयर थिंग्स मेड ऑफ आयरन. ब्लैक स्मिथ जो है आपको पता ही होगा
वॉज कन्विंस कि वो एकदम कन्विंस थे कि ये विच क्राफ्ट है, तो जैसे कुछ भूत प्रेतात्मा आ जाती है उसका ऐसा कुछ खेल करके बोल रहा था। हॉकस्टार अप्रेंटिस वॉज कॉल्ड, अप्रेंटिस जो सीखता है किसी मास्टर के अंडर में, वॉज कॉल्ड टू जॉइन द डिस्कशन। मिस्टर हॉकस्टार वॉज द जीनियस फ्रॉम पार्लियामेंट, ही ड्रिफ्टेड टू द कन्वर्सेशन इन अ फ्यू मिनट्स। वो एकदम से कन्वर्सेशन मतलब बातचीत में अंदर आ गया। लेट्स हैव द फैक्ट्स फर्स्ट, पहले फैक्ट पता कर लेते हैं। यू कैन ऑलवेज ब्रेक डाउन ए क्लोज डोर बट यू कैन नॉट क्लोज ए डोर वंस इट इज़ ब्रोकन डाउन। हम इस डोर को ब्रेक कर सकते हैं बट एक बार जब ब्रेक हो जाएगा तो आप इसको अगेन बंद नहीं कर पाएंगे, इस तरह से वो उन्होंने बोला। देन क्या हुआ, बट एज दे डिस्कस द मेरिट्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन द डोर इट ओपन ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। जैसे ही वो डिस्कशन कर रहे थे कि डोर को ब्रेक करें कि नहीं करें, थोड़ी देर में जो है डोर अपने आप ही खुल गया बिना किसी फोर्स लगाए। एवरी वन लुक्ड अमेज्ड, द गॉक्ड एट द साइट ऑफ द बैंडेज फिगर डिसेंडिंग द स्टेयर्स। ओके, सब लोग जो थे एकदम सरप्राइज होके घूर घूर के देख रहे थे जो एक बैंडेज फिगर जो था नीचे उतर रहा था। जो तो एक पर्सन जो आ रहा था वो स्ट्रेंजर एकदम बैंडेज बांध के सब उसको सरप्राइज होके देख रहे थे बेवकूफ की तरह। नाउ द फिगर विथ हिज अनरीजनेबली लार्ज ग्लास आई केम डाउन स्लोली, नॉट वंस डिड ही स्टॉप स्टेयरिंग एट द कॉन्ग्रीगेशन आउटसाइड हिज रूम। जो फिगर जो था स्ट्रेंजर जो आ रहा था ऐसे बैंडेज बांध बांध के, वो एकदम लार्ज ग्लास आइज थी उसकी अनरीजनेबली मतलब बहुत बड़ी थी, केम डाउन स्लोली आया और कभी भी उसने घूरना छोड़ा नहीं, जो बाहर में जो भीड़ खड़ी हुई थी उनकी तरफ टकटकी लगा के देखे जा रहा था। और जब पास में आया तो एकदम से चिल्ला के बोला, आई वंडर वॉट दैट इज़, किसी एक तरफ इशारा करके बोला, अरे ये सब वो क्या है। फिर सब लोग उसको टू क्यूरियस टू इग्नोर द अदर फॉलोड द डायरेक्शन ऑफ हिज फिंगर, तो सब लोग उसकी फिंगर की जिस तरह उसने पॉइंटेड करी थी वहाँ उस तरफ देखने लगे। और जैसे ही लोगों का ध्यान भटका, नोइंग दैट द अदर्स आर सफिशेंटली डिस्ट्रैक्टेड द स्ट्रेंजर स्लिप्ड इनटू द पार्लर एंड स्विफ्टली विवेकलेसली स्लैम्ड द डोर एंड वैनिश्ड। जैसे ही उसको लगा कि लोगों का ध्यान भटक गया है वो एकदम से अंदर घुस गया अपने पार्लर में अपने रूम में घुस गया और एकदम से ज़ोर से उसने इमीडिएटली दरवाज़ा बंद कर दिया और गायब हो गया। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन अनटिल द लास्ट इको ऑफ द स्लैम हैड डाइड अवे। और कोई कुछ नहीं बोल पाया और एक धड़ाम की जो आवाज़ हुई तब तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। एवरी वन आउटसाइड द पार्लर स्टेड एट वन और अदर, सब लोग जो बॉस वहाँ पर खड़े थे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। द मीटिंग वॉज टर्मिनेटेड, और मीटिंग जो थी टर्मिनेट हो गई। तो ये कि इस तरह का एक चैप्टर था जो मिस्टर एच जी हॉल जो एक राइटर थे इंग्लिश राइटर, उनकी इनविजिबल मैन की बुक से लिया गया था। सो दिस एंड विद दिस आवर चैप्टर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।